देवरिया में धारा 144 लागू होने के उपरांत देवरिया कलेक्टर परिसर में सिपाहियों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों को धक्का मुक्की देते हुए कलेक्टर परिसर में जा घुसे और डीएम कार्यालय के समक्ष जमकर सरकार के खिलाफ और डीएम मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। आज हमारा धरना नागरिक संशोधन बिल, जोगी जी के गुंडा राज का और गन्ना के किसानों का जो भुगतान नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग शांति प्रदर्शन करना चाहते थे। हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक शांति प्रदर्शन के रूप में अपना जुलूस लेकर जा रहे थे कलेक्ट्रेट कचहरी पर, वहाँ पर हम लोग को रोका गया। जिलाधिकारी और SP द्वारा ने हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारपीट किया गया, जिसमें मैं खुद घायल हुआ हूँ, हमारे काफ़ी नेता घायल हैं। और इस तरह करके इन्होंने हमारे धरना को कुचलने का प्रयास किया। ये जोगी की सरकार गुंडों की सरकार है, पुलिस की प्रशासन जो चाह रही है कि हम इस तरह के गुंडई के बल पर समाजवाद के लोगों को दबा दिया जाएगा, तो उनकी भूल है। अभी तो संघर्ष की पहली शुरुआत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार अगर होगा तो अगला इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे और देवरिया को जलने में छोड़ दिया जाएगा। 1000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और हम लोग की भी गिरफ्तारी हो गई, हम लोग भी जा रहे हैं पुलिस लाइन।